दोस्तों क्या इस सेंचुरी के अंदर भी आपको ऑफलाइन कॉलेजों के अंदर जाना चाहिए? आखिरकार बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट के ऐसे बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं, क्या इस जमाने भी हमको ऑफलाइन कॉलेजों में एनरोल करना चाहिए या फिर ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की, जब से जियो रेवोल्यूशन आया है एंड कोविड सिचुएशन के कारण बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे टीचर भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे आए हैं जिसने एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिवोल्यूशन ला दिया है। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स एंड बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों का मानना है कि आप कोई भी अगर कोर्स करते हैं तो आपको एट द एंड रिक्वायर्ड है स्किल्स, आपके पास एक स्किल होना चाहिए। आखिरकार वो ऑफलाइन कॉलेजों में जाके आए या फिर ऑनलाइन कॉलेजों में जाके आए, लेकिन बहुत सारे ऑफलाइन कॉलेजों के अंदर सिर्फ चमनी चोर कॉलेजेज अवेलेबल है या फिर लल्लू लाल टीचर आपको देखने को मिलेंगे जिनके खुद के पास स्किल नहीं है, वो बच्चों को क्या स्किल दिलाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियों से कोलेबरेशन किया, जहाँ पर जो इंडस्ट्रियों में लोग पढ़ रहे हैं वो आपको इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। जब से इंडिया के अंदर 2021 से शार्क टैंक लॉन्च हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद भी अपना आइडिया लेकर पहुंच जाते हैं शार्क के पास या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास। उनका ये मानना है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टार्ट हुए हैं और उनको अपना एक स्टार्टअप करना है। आज अगर देश की अगर बात की जाए, पिछले कुछ सालों की अगर मैं बातें करूं तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर लाखों स्टूडेंट इनरोल करते थे, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट की लगातार संख्या घटती जा रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, जेई मेन सन 2022 की अगर बात की जाए, जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए ओनली फॉर 1,50,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। जनरली वहाँ पे रिक्वायर्ड स्टूडेंट होते हैं 2,50,000, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टूडेंट का लगातार रुझान घटता जा रहा है। इसके साथ ही अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट 14,00,000 तक स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी यह रेशियो 8 से लेके 9,00,000 तक आके रुक चुका है। उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई नहीं करते हैं। स्टूडेंट का ये मानना है कि वो अपना एक स्टार्टअप करेंगे, तो आखिरकार वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं या फिर जिनको भी अपना स्टार्टअप करना है वो ऑफलाइन कॉलेजों में तो जा नहीं सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बातें की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूबर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल यूट्यूबर। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। लाखों स्टूडेंट आज देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजों से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर हो चाहे वो थर्ड ईयर हो। आखिरकार क्यों स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहे हैं और क्या ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के लिए बहुत खतरनाक है? क्या स्टूडेंट को ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए? आखिरकार स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं जा पा रहा है तो उसके पास क्या ऑप्शन आते हैं? आखिरकार वो सीखेगा कैसे? एट द एंड स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा, चाहे वो स्टार्टअप कर रहा हो चाहे वो यूट्यूबर बन रहा हो, अगर वो सीखेगा नहीं तो कैसे इंप्लीमेंट करेगा? तो इसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, चाहे वो अमेजोन के काम करने वाले हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के काम करने वाले हो, चाहे वो महिंद्रा के काम करने वाले हो, चाहे वो अडोबी के काम करने वाले हो, वो आपको ऑनलाइन डायरेक्शन देते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हैं जो कि आपको MBA करवाते हैं, जिसके अंदर कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता, वो लोग पढ़ाते हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट है, जैसा कि अर्सनेर ग्रोवर या फिर IBM के फाउंडर या फिर बड़ी बड़ी टॉप स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके CEO, उनके को फाउंडर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जो कि MBA की डिग्री कर रहे हैं, जो कि BTech की डिग्री कर रहे हैं, जो कि DVL डिग्री कर रहे हैं। कॉलेजों का ये मानना है कि अगर स्टूडेंट इंडस्ट्री के हिसाब से अगर जाना चाहते हैं, आखिरकार उनको अगर कॉलेजों से बच्चों को स्टार्टअप कंपनियों में ही जाना है या फिर कॉरपोरेट कंपनियों में ही जाना है, तो क्यों ना जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं वो ही स्टूडेंट को पढ़ाने लगे, ताकि उनको कॉरपोरेट एंड स्टार्टअप का नॉलेज भी मिलेगा, साथ में उनको एक डिग्री भी मिल जाएगी। इस कारण बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों ने, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजों ने एक कदम उठाया कि उनकी कॉलेजों के अंदर वो प्रोफेसर पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि जहाँ पे आप ये डिग्री कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर आपका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आता है अपग्रेड, एंड अपग्रेड के साथ ही ऐसे बहुत सारे स्केलर जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं।
जो कि आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप अपने स्टार्टअप करते करते किसी भी टाइम अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग क्लास में आप इनरोल कर सकते हैं और आप अवॉइड कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस को। इसके साथ ही जो है आपको प्रॉपर वही बेनिफिट मिलेगा कॉलेजों का जो कि आपको ऑफलाइन कॉलेजों के अंदर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ऑनलाइन कॉलेजेस ज्वाइन करना चाहिए या ऑफलाइन कॉलेजेस? अभी अगर ऑफलाइन कॉलेजों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे टीचर्स ऑफलाइन कॉलेजों के अंदर ऑनलाइन बेंगलोर के अंदर बैठा हुआ टीचर है और दिल्ली के अंदर पढ़ाता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो आखिरकार स्टूडेंट कॉलेजों के अंदर क्यों विजिट करें, क्यों नहीं उनको कॉलेजों के अंदर ऑनलाइन मोड के अंदर पढ़ाने दिया जाए? आखिरकार क्या आने वाले भविष्य के अंदर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, क्या ये सारा सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऑनलाइन रिकमेंडेशन, जो कि हमारे भविष्य के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एआई टेक्नोलॉजीज। अभी के अगर कोर्सेज की बात की जाए तो बहुत सारी जॉब्स एआई जैसी जॉब्स खा चुकी है। अगर आज मैं एआई की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी जॉब्स जैसा कि कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, वॉइस आर्टिस्ट, यूट्यूब स्पीकिंग, एंकरिंग एंड ऐसी बहुत सारे हजारों जॉब्स हैं जो कि बुरी तरह से खा चुका है। तो आखिरकार लोगों को किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, करना क्या चाहिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो वो जा सकते हो आप collegejankar.com पे, जहाँ पे आपको कंप्लीट में गाइड किया जाता है कि आखिरकार आप कैसे कौन सा कोर्स कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, फ्यूचर के अंदर क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्या क्या लोगों को इसके अंदर सावधानियां बरतनी चाहिए, आखिरकार आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, CSE डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए आपको, ताकि आप फ्यूचर के अंदर अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।